नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस समय हमारी टीम मौजूद है हिसार के क्रांतिमान पार्क में। सामने आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहां पर भवन निर्माण मजदूर यूनियन के काफ़ी लोग मौजूद हैं। दूर दूर तक आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में एक संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और क्या मांगे हैं इनकी, क्योंकि पहले भी 2 से 3 बार यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं और प्रशासनिक कार्यकर्ताओं से मिल भी चुके हैं। फिर क्या कारण होगा कि यहाँ पर आकर दोबारा प्रदर्शन करें? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है, CI2 का जिला का सचिव हूँ मैं और भवन निर्माण कामगार यूनियन का। तो सर, आज की मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य 2 वर्ष हो गए निर्माण को, मजदूरों को, जो मजदूरों का बड़ी लंबी लड़ाइयों और बड़े संघर्ष के बाद मजदूरों के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ था 2007 में। और वो 2007 में बोर्ड का गठन इसलिए हुआ था कि मजदूर जिस साइड पे काम करता है और उस काम करते हुए मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी बोर्ड की होगी। कोई टूट जाए, मर जाए तो उसकी गारंटी बोर्ड की होगी। ये बोर्ड जो 2007 में लागू हुआ और उसके बाद जो उस मजदूर है वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, अपना पैसा इतना कमा लेता है पेट भरने के लिए, लेकिन उसको बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले और उस बच्चे जो उसकी कोई डिलीवरी हो रही है मजदूर के घर पर तो उसका खर्चा कैसे निकले, उसके गरीब घर में मजदूर है वो गरीब है, वो उसकी एक बच्ची है, अगर उसकी लड़की शादी करनी है उसके लिए कन्यादान की सुविधा दी जाए, ये कुछ बातचीत मतलब यूनियन के पदाधिकारियों के बीच बैठकर और ये एक पैमाना बनाया गया था इस बोर्ड का गठन होने के साथ कि ये सुविधाएं मजदूर को साथ में मिलनी चाहिए ताकि सुरक्षा की गारंटी है, जो मजदूर हाल में जो मजदूरी कर रहा है उसके आने वाली पीढ़ी भी मजदूर ना बने, उसको उभार के निकाला जाए, इसलिए बोर्ड का गठन हुआ था, लक्ष्य यही था। लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे आते आते अब पिछले 2-3 वर्ष से मजदूरों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। जो 90 दिन की वर्क स्लिप का जो है वेरीफाई करने का मजदूर को, वो पहले यूनियन को अधिकार था, यूनियन उसको वेरीफाई करती थी, ये हमारा मजदूर है और इसने 90 दिन फलाने मालिक के घर पे काम किया है। आज ये कह रहे हैं कि यूनियन नहीं करेंगी वेरीफाई, नए जो मालिक का काम कर रहे उसके मानेंगे, नियोजक जिसको बोलते हैं, उसमें कानून में लिखा पड़ा है, हालांकि वो गजट नोटिफिकेशन है, गवर्नर के साइन है, उसके बावजूद कोई भी अधिकारी इसको मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे पंचायत सेक्रेटरी पटवारी लिख के देगा उसको मानेंगे, अब उसमें बड़ी अड़चन ये आ जाती है कि निर्माण का जो मजदूर शहर में करता है, कॉलोनी में करता है, बाहर काम करता है, तो उसको पंचायत सेक्रेटरी पटवारी कैसे जानेगा ये मजदूर है और इसने कहाँ काम किया है और 90 दिन काम किया है कि नहीं किया है, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। तो उसमें कोई पंचायत सेक्रेटरी पटवारी वेरीफाई करने को तैयार नहीं है, अब वो वेरीफाई नहीं होता तो इनकी जो सुविधाएँ मिलनी है, रजिस्ट्रेशन होना है, वो ऑलरेडी बिल्कुल रुक जाता है, वही हो रहा है, 2 साल से रुका हुआ है। जब कोई मजदूर जाता है पटवारी या किसी के पास और रजिस्ट्रेशन की बात करता है तो उनका जवाब क्या होता है, क्या हम आपको जानते नहीं है, क्या कहते हैं आपको? उनका सीधा सा एक तो पहला सवाल तो यही होता है कि मैं कैसे वेरीफाई करूं कि आपको जानूं कि आप मजदूर, आपने शहर में किस सेक्टर में कहीं काम कराया है, इसको मैं कैसे वेरीफाई करूं, वो कर भी नहीं पाएगा, एक तो ये सवाल होता है। दूसरा, उन्होंने उनकी यूनियन है, उन्होंने एक तय कर लिया कि इसके ऊपर हम कोई भी साइन नहीं करेंगे, मना कर दिया बिल्कुल, तो इसलिए कोई साइन नहीं कर रहा, कहीं जान पहचान में एक आधी जगह साइन करा भी लिया किसी मजदूर ने तो उसके बावजूद भी ये जो सेंट्रलाइज हुआ है हर जिले, मतलब मजदूर हिसार का फार्म है मान लो, ये किसी भी हरियाणा का किसी जिले में जा सकता है चेक होने के लिए, ये सेंट्रलाइज कर दिया, अभी कोई फार्म कहीं जा सकता है, तो उसमें अड़चन क्या है कि हर जिले का अधिकारी अपनी मनमानी से अलग अलग शर्तें थोप रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये 4 कागज मजदूर को देने हैं उसके बावजूद इसका फार्म वेरीफाई हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। 2-2 वर्षों से लोगों के फार्म पेंडिंग पड़े हैं, जिसने लड़की की शादी कर दी, 1 लाख रुपया किन्नादान लेना था, उसको 2 वर्ष हो गए आज तक किन्नादान नहीं मिला, मतलब उसने कर्जा उठा लिया तो उसका ब्याज लाख की 2 लाख वापसी हो गई, वो कहाँ से देगा मजदूर, जिस मजदूर की डेथ होगी, डेथ होने के बाद काम बनना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पर मदद उसके का परिवार की तुरंत की जाए, लेकिन उस मजदूर की डेथ होने के बाद उसका जो पीछे परिवार है, छोटे बच्चे हैं, विधवा लेडीज है, वो 2-2 वर्ष से बोर्डों के चक्कर काट रही है, उसकी सुविधा के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है और कोई जिला पे अधिकारी जिम्मेवार नहीं है, काफ़ी ऐसी पेचीदा सवाल है जो मजदूरों को परेशान कर रखे हैं, एक एक फार्म पर 20-25 बार ऑब्जेक्शन लाए जा रहे हैं, ऐसी बेहुदगी मतलब देखने को मिल रही है। तमाम अधिकारियों को, श्रम मंत्री को, दुष्यंत चौटाला जो बोर्ड के चेयरमैन थे उसको, शासन को, प्रशासन को, राज जो हरियाणा की सरकार उसको, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, पूरे हरियाणा में जितने MLA MP पक्ष के विपक्ष के जो जीते हुए हैं सबका दरवाजे बजे के मजदूर ज्ञापन दे चला गया था पिछले दौर में, एक अभियान के तौर पर भी हम ज्ञापन दे के हमारी आवाज़ को उठाओ, किसी एक सिंगल MLA MP ने भी हमारी आवाज़ को नहीं उठाया पूरे हरियाणा भर में, ये बड़ी दुख व्यक्त कहानी है मजदूरों की और उसको
को परेशान होकर आज पूरा प्रदेश का मजदूर इकट्ठा होते हुए लामबंद होते हुए यहाँ पड़ाव लगाएगा और आज भी हमारी समस्याओं का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो दुष्यंत जो अनूप धाणक है जो श्रम मंत्री आप बोर्ड का पूरा प्रभार दे दिया गया है इसका निवास पर हम पड़ाव लाएंगे और जब तक हमारी बात नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन पड़ाव होगा। अगर फिर भी नहीं मानी तो जो पुतले फूकते हुए हम आज यहाँ आए हैं यहाँ तो धरना तो रहेगा रहेगा, वापसी हम गांव लेवल पर पुतले फिर जलाएंगे इनके। जब तक हमारी जीत नहीं होगी तब तक लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सरकार की तरफ से कहा जाता था कि 90 दिन की गारंटी का काम देगा, क्या काम मिल रहा है सभी मजदूरों को? काम कहाँ मिल रहा है, मनरेगा बंद पड़ा है। आप किसी भी गांव में जो सर्वे कर लो दो चार को काम मिलता है, कोई हिसार जिले में कोई एक आधे गांव में काम चल रहा है मनरेगा का। जो मनरेगा में जो गारंटी कानून है 100 दिन का काम देंगे तो काम मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। हिसार में आप देख लो निर्माण का मजदूर है, कोई पत्थर का मिस्त्री है, कोई चिनाई का मिस्त्री है, कोई लकड़ी का मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई पत्थर लगाने वाला है, कोई रंग रोगन करने वाला है, सभी दुखी हैं। काम अब कोरोना दुकानें टाइम से बंद करवा दी जाती है, मार्केट बंद हो जाती है, साइडों पर सामान नहीं मिल पाता तो काम धंधों पर काफ़ी असर पड़ा है। काम धंधे मंदे चल रहे, पूरी दिहाड़ी नहीं लग रही, पूरा काम नहीं मिल रहा। और एक इन्होंने जो बोर्ड श्रम कल्याण बोर्ड था इससे कुछ राहत मिलनी थी, इस राहत को इन्होंने रोक लगा दी। इन्होंने जो मजदूरों को छात्रवृत्ति के पैसे मिले थे, कन्यादान के मिलने थे, मातृत्व लाभ मिलना था, पैतृत्व जो लाभ मिलना था, साइकिल औजार के जो पैसे मिलने थे उन पर रोक लगा रखी है। इन्होंने कंडीशन लगा दी है कि पटवारी वेरीफाई करेगा, ना तो पटवारी को आदेश है, ना पटवारी कर रहा है, ना पटवारी इनको जानता है। अब जैसे मैं हूँ लकड़ी का मिस्त्री, मैं हिसार में सेक्टर में काम कर रहा हूँ, या तो मकान मालिक से लिखो आप भाई इस बंदे ने आपके काम क्या नहीं किया, मकान मालिक के देने को तैयार है लेकिन सरकार प्रशासन अधिकारी मान नहीं रहे हैं। फिर जो अधिकारी बैठे हैं सेंट्रलाइज के हिसाब से तो वो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं कि आपका आधार कार्ड सही नहीं है, आपकी फैमिली आईडी सही नहीं है, इसकी फोटो साफ नहीं आई, इसका बारकोड स्कैन नहीं हो रहा। अब मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसके बारकोड पूरे क्लियर करके देगा, किसका आधार कार्ड बना के देगा? ये सारी चीज़ें सरकार ही बना रही है ना, फैमिली आईडी सरकार ने बनाई, आधार कार्ड सरकार ने बनाया, और सेंट्रलाइज सरकार ने किया, बोर्ड का गठन सरकार ने किया, बोर्ड को चला भी सरकार रही है, सारे काम सरकार के हाथ में है, मजदूर को सिर्फ खाली परेशान किया जा रहा है। और मारी गई दिहाड़ी पर कोई सवाल नहीं उठा रही सरकार, कुछ नहीं कर रही। अगर मैंने आपके यहाँ काम किया, आपने मेरी दिहाड़ी रख ली, मेरे 5-10 हज़ार रुपये रख लिए तो उसका कोई कानून ही नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप मेरे पैसे दिला दो। मैंने मनरेगा का काम फिलहाल चल रहा है, पहले हर जगह गाँव शहरों में मनरेगा का काम चलता था तो मजदूरों को कहीं ना कहीं काम मिलता था, क्या फिलहाल आपकी बात करें कहीं काम चल रहा है शहरों में या गांव की बात करें? देखो जी, एक आध गांव को छोड़ के कहीं नहीं चल रहा। अब डीपी स्पीकर रणवीर गंगुआ जी है, उनका गांव गंगुआ है, आप उसमें पता कर लो, पिछले 8 साल से एक दिन भी मनरेगा का काम नहीं चला। क्यों नहीं चल रहा, कारण क्या है? पहले हर जगह चलता था, अब क्यों नहीं चल रहा, कारण क्या मानते हैं? शेड्यूल तो सरकार बनाएगी ना भाई, हम मनरेगा मजदूरों को वेरीफाई करें, कहीं कुछ तो खामियां होगी, चल क्यों नहीं रहा काम? क्योंकि पहले मजदूरों को सभी को काम मिलता था कहीं ना कहीं, लेकिन अब बंद क्यों होगा, क्या कारण मानते हैं? कहीं ना कहीं आपको तो कुछ पता होगा। कारण यही है कि मजदूरों को कुछ देना ना पड़े, सरकार अपने कोटे का पैसा उन पर खर्च ना करे, अपना पैसा हम अपनी सुविधाओं के लिए खर्च करें। एमपी एमएलए अपनी तनख्वाह 1-1 लाख 2-2 से 80 हज़ार रुपये बढ़ा लेते हैं, वो अपनी जेब में पैसा गाल लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन ये आपके सामने देख लो। हर गांव के अंदर श्रम मंत्री के पुतले फूंके गए हैं, आपके प्रेस के माध्यम से प्रेस नोट के अंदर आपको सूचनाएं जरूर पहुंचती रही हैं, लेकिन वो बताओ जो मजदूर दुखी है, पुतले फूंक रहा है तो उसको कहां मिल रहा है काम, कहां उसको पैसा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सब दुखी हैं, हर तरफ से चारों वर्ग से दुखी हैं। अब आप पीटीआई देख लो, सरकारी टीचर हैं वो धरने पर बैठे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, निर्माण मजदूर धरने पर बैठा है, और जो ट्रेड यूनियन सरकारी महकमे वो बेचे जा रहे हैं, LIC आदि 50% बेच दिया आपको पता ही होगा, और ये आपका BSNL देख लो सरकारी संस्था थी ये आदि बिक चुकी है, चलता ही नहीं है। तो ये संस्थाएं सरकारी तो बाप सरकार प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट वाला मन मर्जी का काम करवाएगा, जी मैं तो 5 हज़ार रुपये दूंगा, काम करना नहीं, मत करो, जाओ अपने घर। तो ये सरकार की खामियां ना, हम सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ करेगी, सरकार तो अपनी जेब भरने में लगी हुई है। बता दो कोई एमपी एमएलए या कोई गरीब हो जिसके सिर पर छत ना हो, जो मजदूर परिवार से बिलोंग करता हो। ये जो अनूप धाणक जी हैं, इनके माँ बाप मजदूरी क्या करते थे, ये गरीब परिवार से थे, इनमें भरोसा किया कि निर्माण मजदूर समस्या सुनेंगे, लेकिन ये भी सरकार के पाले में बैठ गए, जाके ये भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो कितनी बार आप यहाँ पर आ चुके हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए? देखिए पिछले साल में 2 बार तो हम सरसा दुष्यंत चौटाला का घर का घेराव कर चुके हैं, अगस्त में और फरवरी में, तब भी हाँ भर लेते हैं लेकिन बातें लागू नहीं होती। अभी भी इन्होंने कल हाँ भरी थी, कर देंगे लेकिन लागू अभी लिखित में कुछ अभी भी नहीं है उनके पास। तो जब आप 3 से 4 बार इनसे मिल चुके हैं, ज्ञापन भी देते हो, कमी कहाँ रहेगी आपकी बात को तो मानने में? क्या कमी सरकार में है? सरकार निर्माण मजदूरों को बेनिफिट देना नहीं चाहती, कमी सरकार में। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती तो आप किस और रुख करेंगे, अगला रुख क्या होगा? परमानेंट तंबू डलेगा किसानों की तरफ पे, चाहे 1 साल चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, ये श्रम मंत्री के आवास पे परमानेंट धरना चलेगा। अब आप यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक आपकी मांगों पर कोई निष्पक्ष कार्यवाही नहीं होगी? जो श्रम मंत्री का आवास है केम रोड पे, उनके घर का घेराव करेंगे। अब हमारी तो बसें भर भर के आ रही है, निर्माण मजदूर इकट्ठे होकर आ रहे हैं, तो अब सारे यहाँ से इकट्ठा होके मंत्री जी की कोठी के ऊपर धरना लगाएंगे, अब उनके घर पे चलेगा पड़ाव।
क्या कहना चाहोगे बाबूजी? लड़के का छत्रपति का फार्म है ये 2021 में लग गया, अभी वो 10वीं होने वाला है, 8वीं का फार्म है ये, अभी तक 3 बार रिजेक्ट कर दिया ये, के ग्राम चक्कर काट काट के कोर्ट में कितना पीछा लगा दिया, 250-300 रुपया खर्च हो गए, छत्रपति के 8000 रुपया, 4 चक्कर मार दिया, कितना हो गया, गाड़ी गई, ऑपरेशन तो न्यू हो रहा है ना, सेक्शन लगा दे 20 बार, ये कमी है, ये यार कमी कौन बताओ, यह कमी है, यूँ कह देगा वो वृक्षलीप जाओ, जब वृक्षलीप होगी अभी कागज पूरे हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं चक्कर कटाए जा रहे हैं है? अभी कागजात पूरे हो जाने के बाद भी चक्कर कटाए जा रहे हैं आपको, और क्या, तीसरी बार आया हूँ मैं, तीसरी बार हकीकत में ये कागज चेक कर ले। फिलहाल आप सामने तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि काफी रोष मजदूरों में इस समय नजर आ रहा है और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका आह्वान है कि आज श्रम मंत्री अनूप दानक जी के आवास का घिराव करेंगे। फिलहाल इस समय और भी मजदूर इनका कहना है कि यहाँ पर आएंगे और अभी यहाँ पर चलता हुआ धरने प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। फिलहाल लाइव वीडियो हम देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहे, कॉमेंट करें, अपनी राय कॉमेंट में जरूर रखें। फिलहाल लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस समय चारों तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों में काफी रोष पैदा है, लोग काफी संख्या में क्रांतिमान पार्क में और भी पहुंच रहे हैं इस समय।